ये बिल्डअप फ्लोर आपको 160 में भी मिल जाएगा, और इस लोकेलिटी में, इस लोकेशन में अगर आप बिल्डअप फ्लोर देखना चाहते हो 135 से हमारे पास स्टार्टिंग है। ये आप मेरे बराबर में हाईवे देख रहे होंगे, ये है जी अपना NH 248A जो सीधा निकल जाता है यहाँ से। ये अपना कनेक्टिविटी है मुंबई एक्सप्रेसवे की, और यहीं से हम सीधा गुड़गांव चले जाते हैं। ये साउथ ऑफ गुड़गांव के अंदर अभी हम हैं, ये सोसाइटी। इस लोकेशन में आज आपको बहुत प्यारा प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ तेहरान डेवलपर का। मैंने इनिशियली इनकी इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी जब वहाँ पे चीज़ें लॉन्च हुई थी, बट सैंपल रेडी है, आपको सैंपल दिखाते हैं। जिस बजट रेंज के अंदर ये बिल्डअप फ्लोर है ना, नहीं मिलने वाले आपको, और कनेक्टिविटी भी आपको दिखाऊंगा वीडियो में ना, आपको टाइम दिखाऊंगा प्रॉपर कि इतने टाइम में मैं गुड़गांव पहुँच रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से भी अंदाज़ा लगा पाओगे क्या चीज़ कैसे। बाकी आपके सामने है जो चीज़ें, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा पूरा, ये यूनिवर्सिटी है जी डी गोइंग का यूनिवर्सिटी, ये जी डी गोइंग का यूनिवर्सिटी आ गई जी, और इसी के अपोजिट में यहाँ पे जी डी गोइंग का स्कूल है। सामने सामने आपको बिल्डिंग दिख रही होगी इस साइड जो एक गुंबद बने हुए हैं जी, ये अपना KR मंगल। तो लोकेशन बहुत प्राइम है, अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट पे देख रहे हो ना, एक बार जरूर एक्सप्लोर करो ये लोकेशन। ये अभी हम ऑन रोड मेन हाईवे पे आपको दिख रहा हुआ मेन रोड है, और इससे जस्ट आपको ये लेफ्ट दिख रहा हुआ हमारे लेफ्ट हैंड साइड में NKV गोल्डन एवेन्यू, हमने इसके लिए लेफ्ट लिया। और ये एंट्री देखो आप, पूरा गेटेड बैच है, सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी प्रॉपर। यहाँ पे आपको आज बिल्डअप फ्लोर दिखाने वाला हूँ, आप बोलोगे जो रेटों में चीज़ है ना, लाजवाब। आपको आज दिखाते हैं फ्लोर, दिखाते हैं क्वालिटी, दिखाते हैं। ये जी पार्क, इसका अभी तो छोटा पार्क हमने रेडी किया है, बहुत बड़े बड़े स्पेस है ये, अपनी पूरी गेटेड कम्युनिटी इसमें, और सारे प्लॉट्स लगभग तेहरान डेवलपर ने ले लिए। आपको इनका सैंपल दिखाता हूँ अभी अंदर ले जाके, बाकी काम चल रहा है बहुत। अभी हमें फ्लोर की स्ट्रीट एरिया में, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, अभी थोड़ी भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन ये इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है कि बिल्डर ने अपना एज ए ऑफिस यहाँ पे रेडी किया हुआ है बिल्डर ने, बट ये अपना स्ट्रीट एरिया। यहाँ पे आपको गाड़ी भी पार्किंग मिलेगी, और आपको सामने वीडियो दिख भी रही होगी फ्लोर की, बाकी फ्लोर आपको दिखाऊंगा। स्ट्रीट एरिया है यहाँ पे, सामने से एंट्री होगी घर के अंदर। अभी ऑफिस बनाया हुआ है बिल्डर ने, क्योंकि चीज़ें काफ़ी है, अच्छी यूनिट्स बिक रही है यहाँ पे, और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। मेन चीज़ आपको बताता हूँ, फ्लोर तो है ही है, उसके बाद बेसमेंट में भी आपको बहुत प्रॉपर स्पेस मिलने वाला है। पहले हम ना फ्लोर से पहले बेसमेंट में चलते हैं, वो बेसमेंट दिखाते हैं क्या चीज़ है। लिफ्ट अपने बेसमेंट में आती है, अभी मैं बेसमेंट के एरिया में हूँ। यहाँ पे एक दो दो जोड़े में प्लॉट है, जैसा कि हमेशा बहुत सारे बिल्डर फ्लोर्स में होता है जो एक साथ पूरी कम्युनिटी बनती है। ये यहाँ पे इनका वॉशरूम रहेगा, कॉमन स्पेस। ये तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया इन्होंने बेसमेंट को, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एंड एक पार्ट यहाँ पे ये वाला। और इसको आप अपने हिसाब से देखिए, बिल्डर ने अपना यहाँ पे एक ऑफिस कैबिन बना के दिखाया आपको। आपको ऑफिस कैबिन बनाना है, आप ऑफिस कैबिन बनाओ, या फिर आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा रूम आप चाहते हो, या फिर उस हिसाब से अपना गेस्ट वगैरह के लिए ये एक एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिल जाता है। आप इसको जैसे चाहो ऐसे यूज़ कर सकते हो, उन्होंने एक स्पेस आपको दे दिया है। ये अभी हम बेसमेंट में क्या ऐसे तीन पार्ट करे हुए बिल्डर ने, एक दो जिसका तीसरे पार्ट में भी उन्होंने एज ए किड्स रूम इसको रेडी करा है, प्ले एरिया। तो आपकी चॉइस है, आप इसको जैसे चाहो ऐसे यूज़ करो। तीन पार्ट में इन्होंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया बेसमेंट, बाकी टॉप फ्लोर को ऊपर दे देते हैं अपने को रूफ राइट। दो लिफ्ट है, आप सीधा यहाँ से जा सकते हो, अभी काम चल रहा है। सैंपल दिखाते हैं, सैंपल रहे गेट से यहाँ से गिरी एंट्री, डोर साइड के पूरे लॉग मिलते हैं, एंड इस घर में एंट्री करो आप यार, बहुत अमेजिंग, बहुत सूदिंग एक्सपीरियंस है। आप इस घर में आओगे ना, आपको वाई भी यहाँ पे आके समझ आ जाएगी कि क्या क्वालिटी का बिल्डर ने काम किया है। दो बेडरूम पीछे, एक बेडरूम के सामने, यहाँ पे न्यू किचन, ड्राइंग डाइनिंग का स्पेस, यहाँ पे मंदिर का डेडिकेटेड स्पेस। ये बिल्डअप फ्लोर आपको 160 में भी मिल जाएगा। अब आप देख लो, उसमें भी करा देंगे आपका थोड़ा बहुत नेगोशिएशन, 160 के रेट में आपको ये प्यारी चीज़ें मिल जाएगी। और इस लोकेलिटी में, इस लोकेशन में अगर आप बिल्डअप फ्लोर देखना चाहते हो 135 से हमारे पास स्टार्टिंग है। तो जो भी गुड़गांव में घर देखने का सपना देख रहे हैं ना, आप देख लो, ड्राइव आपको अभी दिखाऊंगा मैं, हमारा गुड़गांव मेन सेंटर कितना दूर रह जाता है इस एरिया से। ये स्पेस आप देखो, ड्राइंग डाइनिंग का स्पेस, डाइनिंग का स्पेस बनाया, ड्राइंग का स्पेस बनाया, इसमें क्या चीज़ नहीं है वो आपको बता देता हूँ। मूवेबल आइटम जो भी हम देख रहे हैं घर में, मूवेबल आइटम नहीं है। बाकी जो सीलिंग पे काम है, सैंडलर्स, फैन एंड वॉल मोल्डिंग काम, सब कुछ अपने वेराइटीज मिलता है। इटालियन मार्बल मिलता है, ये मंदिर का स्पेस बना के दिया हुआ है, ये अपने वेराइटीज मिलता है। ड्राइंग रहेंगे का स्पेस देखो, पीछे वॉल्स पे आप काम देखो, ऊपर सीलिंग का काम बहुत लाजवाब कराया हुआ है।
मतलब मैं बोल रहा हूँ जी, बहुत सूदिंग काम का प्यारा लेआउट निकाल दिया है। और तेहरान बिल्डर है, इनकी तो क्वालिटी हमेशा से ही बहुत लाजवाब रहती है। ड्राइंग डाइनिंग हो गया, यहाँ पे मैंने आपको बताया मंदिर का स्पेस, ये मोल्डिंग काम आप देखो, पीछे वॉलपेपर की चॉइस इनकी हमेशा से लाजवाब होती है। आप जाओ तो बिल्डर की चॉइस के साथ चले जाओ, या फिर आपको भी एक कैटलॉग दे देंगे, आप अपने हिसाब से भी उसमें काम करा सकते हैं। ये ड्राइंग डाइनिंग हो गया, मंदिर हो गया, एक बेडरूम ये है। सबसे पहले हम चलते से किचन के अंदर, किचन का स्पेस आप देखो, किचन में ना कुछ चीज़ें और हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा उस वाले बेडरूम से एक्सेस करके। ये अपना किचन का स्पेस, यहाँ पे चिमनी हॉब वगैरह सब कुछ हमें वैसे मिलती है, ये आप देख ही पा रहे होंगे। यहाँ पे पूरा सॉफ्ट क्लोजेट्स के साथ इन्होंने किचन बनाया हुआ है, बहुत प्यारा काम है, अच्छा काम मेंटेन किया हुआ है। यह तैरान है हमेशा से ना, इनका ये तो है कि चीज़ें बहुत शानदार बनाते हैं। बाकी इन्होंने यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, ये कि एक्स्ट्रा स्पेस उसको यूटिलाइज करने के लिए उन्होंने इस तरह से अपने को निकाला हुआ है। हम आ जाते हैं किचन के बाद पहले बेडरूम के अंदर, बट बेडरूम ना दिखा के मैं आपको इसका ना बाहर वाला एरिया एक बार दिखाता हूँ। उस वाले बेडरूम से जो अपनी फ्रंट वाली बालकनी की तरफ चले जाते हैं हम, यहाँ पे क्या है कि वेजिटेबल बॉल तो अपने को अंदर मिल जाता है, बट आपका वेट एरिया वगैरह जो वॉश बेसिन वाला पार्ट है वो बाहर यहाँ पे रहेगा, गीजर वगैरह अपने को मिल जाते हैं, और आप यहाँ से ही ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, ये पूरा खुल जाता है। और यहाँ पे हम आइए बालकनी में फ्रंट पे, तो आपको ये दिखा देता हूँ इनका वॉशिंग मशीन के लिए वेट एरिया वाला पोर्शन, यहाँ पे अलग से डेडिकेटेड स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे तेहरान हमेशा अपनी ब्रांडिंग वाली जारी लगाता है, वो अभी लगनी है। हमारा बेडरूम नंबर वन ये आ गया अपना जी, बेडरूम के साइज क्वालिटी लाजवाब चीज़ें आप देखोगे, देखते रह जाने वाले हो। ये देखो आप, पूरा बेड लगाया हुआ है, दोनों साइड टेबल, रूम का साइज, रूम का काम, कबर्ड्स वगैरह, फैन, पीछे वॉलपेपर की हम बात करें, चॉइस बिल्डर की बहुत प्यारी है इनकी। हम आगे इसके वॉशरूम के अंदर, वॉशरूम में भी पार्टीशन वगैरह प्रॉपर की हुई है, अमेरिकन स्टैंडर्ड हमेशा से यूज़ करते हैं, बहुत बेहतरीन काम करते हैं, अच्छी क्वालिटी का काम है। देखिए हमने घर का ड्राइंग डाइनिंग देखा, किचन देखा, फर्स्ट वाला बेडरूम देख लिया, अब हम चलते घर के बैक साइड वाले पोर्शन की तरफ। ये आप देखिए बेडरूम नंबर टू, इस बेडरूम का साइज आपके सामने है, सारी चीज़ आपके सामने है, वॉल मोल्डिंग, ऊपर सीलिंग काम आप देख लीजिए, ये टीवी कंसोल वगैरह सब में बनाया हुआ है, थ्री सेक्शन वार्डरोब। बाकी ये पीछे वाले बालकनी का व्यू आपको दिखा देता हूँ, सारी चीज़ें बनाई हुई है जी, पार्क वगैरह सारी चीज़ें मेंटेन्ड है, बहुत अच्छे अच्छे इसमें पार्क है, अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं, बना रहे हैं बिल्डर, आपको पोजीशन भी इसमें बहुत जल्दी दे देंगे। और सबसे मेन पॉइंट, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म के साथ। ये अपना बेडरूम हो गया, इसका वॉशरूम है, यहाँ से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं अपने बेडरूम के साथ, बट ये वाला कॉमन यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। ये आप एरिया देख लीजिए, क्यूब बना दिया, वेटेरिया अलग, अपना वॉश बेसिन, यहाँ गया अपना WC, बेडरूम नंबर टू हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अपने बेडरूम नंबर थ्री, जो अपना मास्टर बेडरूम भी है। ये साइज़ आप देखो, प्रॉपर बेड लगाए हुए, पूरी वॉल पे 4 सेक्शन वार्डरोब आपको मिल जाती है। एंड ये आ गया इसका वॉशरूम का पार्ट, वॉशरूम में भी अपने को पार्टीशन वगैरह सारी चीज़ें मिलती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रोए की अपने को फिटिंग मिलती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड की वॉश बेसिन एंड जो ये पार्ट है WC वाला, ये एरिया मिलता है। क्वालिटी का काम, टाइलिंग वर्क, कलर कॉम्बिनेशन, आप बताओ आपको ये प्यारा काम इतने कम रेट में आपको नहीं मिलेगा जी, बैंग ऑन रोड। अगर आप अपने लिए घर देख रहे हो तो आपके लिए तो बहुत प्यारी चीज़ ही है ही। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हो ना, तो एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करो ये लोकेशन, यहाँ पे बहुत प्यारा ऑप्शन आए हुए हैं। और अभी ना इन्होंने लॉन्चिंग की है, तो जैसे बोलते थे ना पहले 63 में आई थी 160-165 वाले रेट, लेकिन अब 63 सेक्टर को ही आप देख लो, 2 करोड़ के ऊपर वहाँ पे रेट चले गए हैं। सबसे पहले तेहरान ही वहाँ पे आया था, ऐसी इस लोकेशन में सबसे पहले तेहरान ही आया है। और आपको ये बता दूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बूम होने वाला है रेटों में भी, और जो खुद के रेजिडेंस देख रहे हैं रहने के लिए, गुड़गांव के सबसे ज़्यादा नज़दीक वाला पार्ट है, सारे मॉल हॉस्पिटल आपको जस्ट थोड़ी सी दूरी में आपको मिल जाएंगे, स्कूल्स और मार्केट तो मैं अभी आपको दिखाता हुआ आया हूँ। तो जी कैसी लगी आपको वीडियो, कैसे लगा आपको ये फ्लोर, मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी चीज़ें आपने देख ली, क्वालिटी आपने देखी, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा प्यारा। सोसाइटी से निकल के और ये हाईवे पे चढ़ाई गाड़ी, आप टाइम देख लीजिए, और अभी हम मेन हाईवे पे हैं, अब आपको सीधा गुड़गांव में दिखाते हैं क्या टाइम है। अभी आप टाइम देख लो क्या हो रहा है, हम क्या टाइम पे वहाँ से चले थे, ये सीधा सुभाष चौक चला जाता है, लेकिन हमें जाना है एरिया मॉल की तरफ। ये सामने रीच का एरिया मॉल आपको दिख रहा होगा, जो अवेयर है इस लोकेशन से, यहाँ से आने में मेरे को सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे हैं। और ये हाईवे पकड़ के अगर मैं सुभाष चौक देखूँ, सिर्फ 5 मिनट में सुभाष चौक यहाँ से पहुँच जाऊँगा। तो मेन कनेक्टिविटी में देखूँ गुड़गांव की, तो 10 से 15 मिनट के अंदर
आप लोकेशन से मेन सुभाष चौक जो सेंटर है वहाँ पे आ सकते हैं। राजेश चौक को आप आगे 5 मिनट और मान लो, तो 15 से 20 मिनट के अंदर आप कनेक्टिविटी आप देख लीजिए। ये एरिया मॉल गुड़गांव में पहुँच चुका हूँ, सिर्फ 5 मिनट में नहीं लगे मेरे।